दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते AQI का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इसी मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज आपात बैठक बुलाई है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज इस आपात बैठक में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे।